IAS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स LPI 2018, काफी बातें करने के लिए इसमें लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट इसमें से पहली बात तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, मैं चाहूंगा लिखते जाए साथ में तो अच्छा रहेगा, समय खराब हो जाएगा वरना। जारी करता है इसको WWF फॉर नेचर या वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, जैसा आप जानते सुना होगा इसका नाम, इसका लोगो देखा ही होगा आपने, वाइट ब्लैक पांडा। WWF जारी करता है इस रिपोर्ट को, हर दो साल में रिपोर्ट आती है। ये 2016 में आई थी, फिर अब 18 में रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये चलिए रिपोर्ट को दो साल करता है, WWF जारी करता है। इन पॉइंट बात क्या, इस बार की रिपोर्ट में खतरनाक चीज़ें क्या वो सुन लीजिए। इस बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 से 2014 के बीच, पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको यहां पर, इस दौरान दुनिया की 60% स्पीसीज प्रजाति आबादी कम हो चुकी है, पॉपुलेशन कम हो चुकी है। 1970-2014 के बीच 60% पॉपुलेशन प्रजातियों की कम हो चुकी है। मैं यहां पर प्रजाति उम्रमत नहीं, और प्रजाति गायब नहीं हुई, उसकी संख्या कम हो गई। प्रजातियां हैं, टाइगर बचे हैं कुछ, टाइगर खत्म नहीं हुए, टाइगर की संख्या कम हो गई। लॉयन बचे हैं, प्रजातियां बची हैं लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है 60%। यदि किसी पैक में, किसी हर्ड में 100 भेड़िए थे, वो कम होकर 60% कम हो गई है संख्या उनकी। जो बढ़ना चाहिए आबादी समय के साथ, जो स्टेबल तो कम से कम रहनी चाहिए आबादी, वो कम हो रही है। तो 60% ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो गई है प्रजातियों की। ये बड़ा सेटबैक है अपने आप में, क्योंकि नेचर ने बैलेंस बनाकर हमको दिया है, यदि हम ही हम होंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। केवल एक मोनोटोनस प्रजाति अगर रहेगी दुनिया में, एक जानवर रहेगा दुनिया में, तो काम नहीं चलने वाला, सभी का रहना जरूरी है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है 60% पॉपुलेशन कम हुई है हमारे यहाँ पर ओवरऑल। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि पर्टिकुलरली फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल की जो प्रजातियाँ होती हैं उसमें लगभग 83% पॉपुलेशन कम हो गई है। 83% पॉपुलेशन कम हो गई है फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल की प्रजातियों की, आबादी कम हुई है इनकी 83%। ये बड़ा डेंजर मार्क अपने आप में, कम हुआ है। तीसरा पॉइंट पॉपुलेशन में, या मैं कहूं आपसे सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ में गिरावट अगर आई है तो आई है लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, जहां लगभग 89% प्रजातियां गायब हो चुकी है, आबादी खत्म हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा गिरावट जो हम देखते हैं रिलिम्स के अंदर या समूह के अंदर, वो है लैटिन अमेरिका में। तो लैटिन अमेरिका में सबसे गिरावट आई है लैटिन अमेरिकी देशों में, वहां पर बहुत गिरावट देखी जा रही है। सबसे गिरावट लैटिन अमेरिका में। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि इन हेक्टेयर्स पर कैपिटा, यानी एक व्यक्ति के अनुपात में देखा जाए तो कौन सा देश सबसे अधिक संसाधन प्रयोग करता है या सबसे अधिक नुकसान करता है अर्थ का। तो हम यहां देख रहे हैं, यहां पर हम लोग जो भारत है, यहां पर ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज करता है, और मुकाबले आप देखेंगे और स्थिति यहां पर काफी खराब है। लेकिन भारत जैसे देश काफी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आबादी बड़ी है हमारे यहां पर, तो बहुत ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग यहां पर। लेकिन पर कैपिटा में जाएं तो यूरोपियन देश या आप देखेंगे लाल कैटेगरी देश हैं, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या मात्रा में, यानी आबादी के लिहाज से भारत भी बड़ा राष्ट्र है। तो भले ही आपका पर कैपिटा छोटा है लेकिन आप ज्यादा रिसोर्स प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पर विकसित देश पर कैपिटा के लिहाज से ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति में सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, अमेरिका आपको दिख रहा है यहाँ पर, अमेरिका कनाडा जो बहुत ज्यादा, यानी 7 रिसोर्स पर व्यक्ति यूज कर रहे हैं हम लोग, सबसे कम है हमारा देश, सबसे कम देखिएगा आपको लिस्ट में, भारत सबसे कम रिसोर्स यूज करता है लेकिन आबादी ज्यादा है तो ये रेशो बढ़ जाता है। तो लिख लीजिएगा, भारत उन देशों में शामिल है जो प्रति व्यक्ति कम हेक्टेयर संसाधन प्रयोग करता है, इन हेक्टेयर्स पर PCI कम संसाधन यूज करता है, प्रति व्यक्ति कम संसाधन प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या, डिकोड कर लें थोड़ा आसान भाषा में, यानी एक आम भारतीय को मैं आपसे कहूं अगर कि लेट से मैं कहूं कि 1.25 हेक्टेयर जमीन के संसाधन जो चाहिए काफी रहेंगे हमारे लिए, यानी एक भारत में एक व्यक्ति को एक साल जीवन चलाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि के संसाधन काफी है। अमेरिका में एक व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए 7 हेक्टेयर जमीन के संसाधन चाहिए होते हैं, वहां जो मिनरल्स हैं, वहां जो पेड़ हैं, जो वाटर है, एग्रीकल्चर जो भी कुछ हो रहा है वहां पर, 7 हेक्टेयर जमीन चाहिए। हमारे यहाँ पर 1 हेक्टेयर जमीन चाहिए लेकिन आबादी कई गुना है अमेरिका से, तो ओवर रिसोर्स काफी बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो भारत प्रति व्यक्ति में काफी कम संसाधन प्रयोग करता है। एक और शेयर करूंगा आपके साथ मैं यहाँ पर, इसको हम देखते हैं कहाँ गया। अगर आप सोचिएगा ये हमारे यूज कर पाए हम लोग,
अगर आपका जीवन कतर के नागरिक की तरह कर दिया जाए, दुनिया के हर किसी व्यक्ति का जीवन कतर के नागरिक की तरह कर दिया जाए, कतर की लाइफस्टाइल जैसी है उनकी कर दिया जाए, तो आपको 9 पृथ्वियां चाहिए रहेंगी जीवन जीने के लिए। यानी आप जो जी रहे हैं इस समय, अगर आप हर किसी का जीवन स्तर कतर की लाइफस्टाइल तरह कर दिया जाए, कतर के व्यक्ति तरह कर दिया जाए, तो 9 आपको पृथ्वी चाहिए रहेंगी, 3 रिसोर्स आपको चाहिए रहेंगे। अगर आपकी कर दिया जाए अमेरिका की तरह जीवन शैली, जहाँ पर अमेरिका कंज्यूम करता है एनर्जी को प्रति व्यक्ति, जमीन यूज़ करता है, तो आपको चाहिए रहेंगे 5 पृथ्वियाँ। और भारत में स्तर आते हैं 0.6 पर हम लोग। भारत में आप भारत जैसा जीते हैं, हम लोग सामान्य जीते हैं, बहुत कम रिसोर्स यूज़ करते हैं, हम तो पूरा अपना अधिकार भी नहीं लेते हैं यहाँ पर, तो हमें चाहिएगा 0.6, यानी आधी पृथ्वी काफ़ी है भारत जैसे जीवन यापन करने के लिए। समझ में आती है बात यहाँ पर? यानी पीएम साहब ने कुछ बड़े यूनिक स्टेटमेंट दिया था, बहुत काम का स्टेटमेंट था, वो कोट करता हूँ हमेशा, कि आम भारतीय सादगीपूर्ण जीवन जीता है और ये सादगीपूर्ण जीवन जरूरी है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। जलवायु जस्टिस की उन्होंने बात की थी, क्लाइमेट जस्टिस की उन्होंने बात की थी, यदि सभी तक हमने जलवायु फायदा पहुंचा दिया, सब तक फायदा पहुंचा दिया, तो सभी को फायदा मिलेगा इस बात का। यानी कहीं ना कहीं एक आम भारतीय की जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल कम पावर कंज्यूम करती है, कम नुकसान करती है अर्थ को। हम लोग ज़्यादा जुड़े हैं अर्थ से अपनी, हम ज़्यादा जुड़े हैं अपनी प्रकृति से। हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते पेट्रोल डीजल या गैस को, या हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते प्राकृतिक संसाधनों को। हम सस्टेनेबल लाइफ जीते हुए आ रहे हैं, हम बैलगाड़ी आज भी चलाते हैं, हमारे यहाँ पर आज भी पशुओं का प्रयोग करते हैं अपने अन्न का उत्पादन करने में, उनको मारते नहीं हैं, हम उन बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास करते हैं, कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाए तो। हालांकि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है इसलिए हमें यूज़ करना पड़ता है। हमारे यहाँ आम भारतीयों को मिलने दीजिए संसाधन, थोड़ा अमीर होने दीजिए, उनको भी चाहिए होता है, उनको भी कूलर चाहिए होते हैं, उनको भी बेहतर रिसोर्स चाहिए होते हैं। गरीब हैं, लाइट ही नहीं है तो एसी कहाँ चलाओगे? आप दे दीजिए लाइट उनको, दे दीजिए पैसा उनकी, फिर देखिए वो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके यहाँ प्रति व्यक्ति कंजम्पशन कम है क्योंकि आपके यहाँ गरीबी है। कतर में गरीबी नहीं है, वहाँ सब लोगों के पास तेल के कुएँ अपने अपने, तो वहाँ पर कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। तो ये कहने की बात है कि भारत में पर कैपिटा कम है लेकिन भारत में भी गरीबी है। जैसे आपके पास रिसोर्स बढ़ेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी डिमांड ऑफ रिसोर्स बढ़ जाएगी, आपको एक हेक्टेयर कम पड़ने लगेगा, सडनली आपको चलेगा 7 हेक्टेयर मुझे भी ला कर दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मिस्टर मोदी को आप, ये कहा था, उन्होंने कहा था यूएन में खड़े होकर, कहा था यूएन स्पीच में उनकी है ये, कि भारत में हमारी जीवन शैली बहुत सामान्य है। और उन्होंने ये जो कहा था 2014 की स्पीच, जो पहली स्पीच थी यूएन की उन्होंने, और इन्होंने अपील की थी अगर दुनिया योग को अपनाए तो आप योग करने से जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, क्योंकि योग बेसिकली जीवन शैली, योग केवल एक ये नहीं कहूँगा योग केवल एक व्यायाम है, वो एक लाइफ स्टाइल है, और जीवन शैली को अपनाया जाए तो क्लाइमेट चेंज को आप होने से रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल योग डे की अपील की थी वहाँ पर, और जो बाद में अपनाया गया था कहीं ना कहीं, तो ये एक बड़ा योगदान था, वहाँ से स्पीच निकलती है ये, वहाँ काम आई लिखने में कभी। इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग काफ़ी कम है, कंजम्पशन काफ़ी कम है हमारा, तो एयरपोर्ट निकल के आती है, लेकिन चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हैं हमारी। क्लियर हमको चीज़ें यहाँ पर, ये पॉइंट निकल के आएगा रिपोर्ट से। इसके अलावा रिपोर्ट में जो कोट करना है मुझे आपके साथ, ओके लिख लीजिएगा, दुनिया में सबसे अधिक नुकसान जिस इलाके का हो रहा है, लैटिन अमेरिका लिखेंगे, विश्व में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी लॉस, सबसे अधिक जैव विविधता का नुकसान। तो ये जो 8 भाग बांटे गए हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लगभग एक सी है, मैं सिंपल से कहूँ बायोलॉजिकल चीज़ें एक सी हैं, तो दुनिया को बांटा गया है कई भागों में, इनके नाम रखे गए हैं एलिम्स के अलग अलग। ये जो पूरा इलाका है पहले आर्कटिक यानी आर्कटिक के निकटवर्ती इलाका, यहाँ का बायोलॉजिकल सिग्नेचर लगभग एक सा है। अफ्रीका में जाएंगे अफ्रीको ट्रॉपिकल, यहाँ का बायोलॉजिकल नेचर एक सा है। लैटिन अमेरिका में नियो ट्रॉपिकल, इसका बायोलॉजिकल नेचर एक सा है, यानी प्रजातियां बायोलॉजिकल नेचर एक सा होगा पूरे इलाके का। तो यहाँ प्रजातियां लगभग एक सी होंगी, एक सा खान पान होगा, एक सा क्लाइमेट उनको चाहिए होता होगा, और यहाँ का एक प्रकार से अलग चीज़ होंगी। नियो आर्कटिक या नियर आर्कटिक, ये नियर आर्कटिक है, ये ऑस्ट्रेलो इंडो पैसिफिक का इलाका है जब भारत शामिल होता है। इन पॉइंट बात है, उन्होंने ये कहा है कि बायोलॉजिकल लिम्स में सबसे ज्यादा लॉस कहाँ हो रहा है, नियो ट्रॉपिकल में। थोड़ा याद रखिए स्टेटमेंट को, काम करेगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। LPI 2018 के मुताबिक दुनिया का सबसे बायोलॉजिकल लिम्स अगर खतरे में जा रहा है तो वो है नियो ट्रॉपिकल, सबसे खतरे में है ये इलाका जहां पर डाइवर्सिटी 89% खत्म हो चुकी है, 89% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल लिम्स की बात करें तो नियो ट्रॉपिकल लिम्स सबसे खतरे में है, नियो ट्रॉपिकल लिम्स खतरे में है जहां 89% पॉपुलेशन नष्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट जीरो पे आ रहा है, ये एक से चला था जीरो पे आ गया बिल्कुल। ये बायोलॉजिकल लिम्स में देखा जाए तो टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यहाँ पक्षी खत्म हो चुके हैं, मशीन खत्म हो चुकी हैं और लगभग सभी चीज़ें यहाँ खत्म हो रही हैं। तो 89% खत्म हो चुका है, अमेजन ऑलमोस्ट नष्ट होने के कगार पर आ गए, अमेजन के जंगल यहाँ पर पूरा इलाका था खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ये
89% कमजोर हो गया बायोलॉजिकल लिम्स में, नियोट्रॉपिकल या नियोट्रॉपिकल, समझ सकते हैं लैटिन अमेरिका बोल लीजिए इसको, या इसको नाम दिया गया है नियोट्रॉपिकल। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? मैक्सिको से फर्दर नीचे, तो मैक्सिको से नीचे आते हुए देखिएगा आपको ये नियोट्रॉपिकल इलाका हो पाएगा। बात याद है, तो ये 89% खत्म हो चुका है और भारत भी ज़्यादा पीछे नहीं है इस लिस्ट में, 82% हमारा भी है शायद, 82% भारत का भी है इसमें। चलिए, सबसे बेहतर है उत्तर के इलाके, पहले आर्कटिक बहुत कम हुआ है 23% के आसपास, यहाँ भी अभी भी नुकसान नहीं हुआ, सबसे नुकसान हुआ है वहाँ का, फिर एफ्रो, फिर एंडोपैसिफिक का। कुल मिलाकर अभी चर्चा का विषय है कि सबसे नुकसान कहाँ हुआ है, नियो आर्कटिक। तो वर्ड काम का क्या है आपके लिए पीटी में, ये वर्ड काम करेगा, लिम्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल एक प्रकार की पहचान है किसी इलाके की, यहाँ पर बायोलॉजिकल एंटिटीज लगभग एक सी होती हैं, बायोलॉजिकल पहचान लगभग एक सी होती है, जैविक पहचान लगभग एक सी होती है। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से प्लीज, तो ये कुछ पॉइंट है आपके काम के लिए। और क्या है इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में, और क्या है काम का आपके? ओके, क्राइसिस का कारण क्या है, आखिर क्या समस्या है क्राइसिस की, तो एक बार हम याद करते हैं, शॉर्ट में रखा हम लोगों ने, क्या था वर्ड वो, इप्पो याद है किसी को, क्या हम लगवाते हैं एक वर्ड है अपना इप्पो, क्या है दोस्त, वही सारे कारण फिर से गिना दिए हैं। इप्पो मतलब एच स्टैंड्स हैबिटेट लॉस, आवासों को नुकसान करना, आपने जनजातियों प्राकृतिक आवास खत्म कर दिए, इनके जानवरों के आवास खत्म कर दिए हैं, बड़ा कारण है, पहला है हैबिटेट लॉस, या इप्पो का पहला वर्ड है यहाँ पर, हैबिटेट लॉस हुआ है बड़े स्केल पर। कारण बता रहा हूँ, कारण क्या क्या है आपको यहाँ पर, रिपोर्ट में हमेशा आता है, तो पहला है आवासों को नुकसान करना, हैबिटेट लॉस बड़े स्केल पे किया गया है, एच स्टैंड हैबिटेट लॉस। आई स्टैंड क्या होता है, इन्वेजिव, आक्रमक प्रजातियां आ गई हैं आपके इलाकों में जो नष्ट कर रही हैं पुरानी प्रजातियों को, तो आई यहाँ पर दिया गया है, इन्वेजिव स्पीसीज यहाँ भी है कि इन्वेजिव स्पीसीज आ गई हैं बाहर से जो नष्ट कर रही हैं पुरानी प्रजातियों को, तो आई स्टैंड्स इन्वेजिव या आक्रमक प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां शामिल हो गई हैं आपके इलाकों में। पी स्टैंड्स पॉल्यूशन, प्रदूषण, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है जिससे एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है जिससे मुश्किल हो रही है प्रजातियों के सामने, नष्ट हो रही प्रजातियां। ओ, एक पी छोड़ रहा हूं मैं भी यहां पर, ओ होता है ओवर हार्वेस्टिंग, अति दोहन, अधिक मछलियां निकाल रहे हैं, अधिक आप जंगल काट रहे हैं, अधिक पेड़ काट रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं संसाधनों का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं संसाधनों का आप, जो बड़ी मुश्किल करता है आपके यहाँ पर, संसाधन का अति दोहन किया जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं संसाधन, खासकर मछलियों को आप मार रहे हैं बड़े स्केल पर, वो रिसाइकल नहीं हो पा रही हैं, खत्म कर रहे हैं मछलियों को बड़े स्केल पर हम लोग। हालांकि पॉइंट हमारा इसमें नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन एक बड़ा समस्या है दुनिया की बढ़ती हुई, जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, आबादी के रिसोर्स बढ़ते जाएंगे। आज भारत क्यों डिमांड कर रहा है कि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, तो भारत की पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हिप्पो मिलता है। प्लस एक बार लिखा था मैंने हिप्पो के साथ सीसी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, क्लाइमेट चेंज भी इस कारण आबादी नष्ट हो रही है, प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं, तो सीसी यानी क्लाइमेट चेंज भी बड़ा कारण हिप्पो के साथ, तो हिप्पो प्लस सीसी ये कारण है वो जिस कारण नष्ट हो रही हैं प्रजातियाँ, आबादी कम हो रही है। सबसे बड़ा कारण इसमें से कौन सा है, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर प्रजातियों के कम होने का, वो है उनके आवास नष्ट होना, जंगल खत्म होना, उनके लिए जो जमीन थी सुरक्षित की गई थी वो खत्म हो रही है, ये खत्म करते जाएंगे तो मुश्किल होगी आपके लिए, जीवन नहीं बच पाएगा इन इलाकों में। बड़ा खूबसूरत इमेज है ये अमेजन फॉरेस्ट की, किस प्रकार अमेजन फॉरेस्ट को काट कर अपने खेत बना दिया है वहाँ पर, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार हम नष्ट कर रहे हैं प्रजातियों के आवासों को। फिर अब खेत में टाइगर घुसाएगा, फिर आप कहेंगे टाइगर मैन ईटर हो गया, फिर हम कहते हैं टाइगर कुकार हो गया, टाइगर मैन ईटर हो गया, और फिर गोली मारने में स्टार्ट नहीं होगी, उसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसी के संकेतिक रूप से कह रहा हूँ। अभी नाम के टाइगर्स को मारा गया जो अभी महाराष्ट्र में, उसको मैन ईटर कहकर मारा गया कि वो इंसानी बस्तियों में घुसाती है, आप उस बस्ती ले गए वहाँ तक, कोई मां क्यों कह रहा था, आप उसके जंगल में बस्ती लेकर जाएंगे फिर कहेंगे बस्तियों में घुसाया कोई, तो निश्चित तौर पर तर्क नहीं हो सकते इस पर। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, बात करूँ मैं एलपीआई में, एलपीआई में एक और खास बात है इस बार के जो चर्चा का विषय रहेगी आपके लिए, और वो है एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट जारी की है एलपीआई के साथ, उस रिपोर्ट में जो यूज किया गया है वर्ड ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस, ये जारी किया गया है इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ ये, इसका रेफरेंस दिया गया है ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस, याद रखिएगा ये गलत दिया था हिंदू में इसके बारे में, इसको WWF जारी नहीं करता है, हिंदू ने गलत दिया था उस दिन, मैं देख रहा था इसमें हिंदू में गलत छपा हुआ था, इसको जारी नहीं करता है, इसको जारी करते EU का इनिशिएटिव पूरा का पूरा, याद रखिएगा ये, तो कई अखबारों में गलत कोट कर दिया था, तो लगा रिपोर्ट में आया तो ये जारी करता होगा, ऐसा नहीं है,
जिस रेफरेंस दिया था WWF रिपोर्ट में केवल इसका, इसे जारी करता है ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस को जारी करती है GBSA ऑनलाइन, GSB ऑनलाइन इसको जारी करती है, EU की संस्था या EU का इनिशिएटिव है, यूरोपियन कमीशन को जारी करता है इस एटलस को, जारी करता है यूरोपियन कमीशन, लिख लीजिए दोनों इसके बारे में, इस एटलस को जारी करता है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन जारी करता है एटलस को, EU के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है जो काम का है आपके लिए, यहाँ पर जुड़ेगा पीटी में क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, क्योंकि ये जो दशक, ये डिकेड जो चल रहा है आपका, कौन सा है डिकेड, 2011 से 20 का दशक चल रहा है दुनिया में, इसे UN ने डिक्लेयर किया है UN डिकेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दशक, तो इसमें एक बड़ा कैंपेन चल रहा है साथ में कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, तो एक बड़ा अभियान चल रहा है दुनिया में मिट्टी की उर्वरकता को पहचानने, मिट्टी की जैव विविधता को बचाने के लिए, तो इस कार्यक्रम के तहत EU ने लॉन्च किया है वो एटलस, जारी किया EU ने अंडर दिस इनिशिएटिव, पूछ सकता है पीटीएम सवाल पूछता है इस प्रकार की, UPSC लिख लीजिए कहीं भी लाइन में रहा, लिखेंगे 2011 से 20 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक मनाया जा रहा है, 2011 से 20 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है जिसमें मिट्टी की जैव विविधता को सतत रखने के लिए अभियान प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें मृदा की जैव विविधता को सतत बनाए रखने के लिए अभियान प्रारंभ किए गए हैं, नाम चाहे तो लिख लीजिए, ऐसा सिंपल लग सकते हैं, मृदा की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अभियान शुरू किए गए हैं, मृदा की जैव विविधता को सतत बनाए रखने के लिए अभियान बनाए शुरू किए गए हैं, मिट्टी की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अभियान शुरू किए गए, नाम लिख लीजिएगा इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये जो इनिशिएटिव है ये इसको चालू किया है FAO ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, तो मेन लीडर्स में FAO है याद रखिएगा, इसे मुख्य इसको चालू करने में मुख्यतः FAO है, इसके अंतर्गत EU ने जारी किया है वो एटलस, तो कहानी जुड़ी है याद रखिएगा, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है FAO व अन्य संस्थाओं के द्वारा, FAO व अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किया गया इस इनिशिएटिव को, इस अभियान को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रशिया और खाद्य संगठन द्वारा जारी किया गया है कुछ पार्टनर के साथ मिलकर, एक पार्टनर यूरोपियन कमीशन भी है उसके अंदर, उसका एक पार्टनर उसका यूरोपियन कमीशन भी है, और उसने जारी किया है ग्लोबल सॉयल बायोडाइवर्सिटी एटलस, तो अभियान ये रहा बड़ा सा, इसके अंदर पार्टनर है FAO के साथ यूरोपियन कमीशन, और उस कमीशन ने जारी किया है एटलस, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एटलस, तो जैसा कि हिंदू में कहा था WWF ने जारी नहीं किया है इसे, जारी किया है इसको, क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान रखिएगा चीजें, क्योंकि इंडिया को लेकर बहुत आलोचना होगी इस इंडेक्स में, बात करेंगे उस पर भी, किसने जारी किया क्लियर है इंडेक्स मुझे ये, तो प्रोग्राम का नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है UPSC आमतौर पर, निकाल के लाता है आमतौर पर जिसके डिकेट चल रहे होते हैं, चीजें चल रही होती है, पूछता है UPSC ऐसे क्वेश्चन, तो चल रहा है यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव चल रहा है EU के द्वारा, उसके तहत जारी होता है रिपोर्ट, ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव चल रहा है EU के द्वारा, जिसके तहत वो एटलस जारी किया गया, मैं आता हूँ एटलस में क्या है हमारे काम का, ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस की बात हो रही है, जैव विविधता एटलस की बात हो रही है यहाँ पर, और इस एटलस में कहाँ गया हमारे पास, ये होगा पहली बात तो आपको समझना जरूरी है कि सॉइल बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, समझ आता है क्यों जरूरी है, कई प्रकार के कीट माइक्रोब्स छोटे कीट कई प्रकार के जीव होते हैं उसके अंदर, मोल्स होते हैं उसके अंदर जो सॉइल के लिए बहुत काम के होते हैं, इस एटलस में जा रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ, इस एटलस ने कई भागों में बांटा है मिट्टी के उन जीवों को, बाकी बहुत छोटे होते हैं बिल्कुल नैनो साइज के, कुछ दिखाई भी देते हैं कुछ दिखाई भी नहीं देंगे आपको, माइक्रोब सूक्ष्म जीवी कुछ दिखाई देते हैं आपको, कुछ केंचुए कुछ वर्मीज होते हैं उसके अंदर, कुछ मोल्स होते हैं, बड़े जीव भी होते हैं जो मिट्टी में नीचे रहते हैं, ये सब जरूरी है मिट्टी के लिए, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, मिट्टी में फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार फर्टिलाइजर यूज़ होने से पेस्टिसाइड यूज़ होने से इनकी आबादी कम हो रही है, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, आप छिड़कते पेड़ के ऊपर है पेस्टिसाइड लेकिन फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं संख्या इनकी कम हो रही है, और सॉइल बायोडाइवर्सिटी सॉइल मृदा की जैव विविधता कम होती जा रही है, यहाँ पर आप एटलस देख रहे हैं एक, इसके मुताबिक भारत आप देख रहे हैं किस कलर का है, वहाँ देखिए कलर वेरी हाई, भारत उन देशों में शुमार रखता है जहाँ पर मृदा की विविधता खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, हाई रिस्क कैटेगरी में है भारत, यहाँ पर लगभग दुनिया कुछ ही देश हैं यहाँ पर जिसमें भारत एक नंबर पर है, तो भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता नष्ट हो रही है मिट्टी की,
मिट्टी में फर्टिलिटी खत्म हो रही है, मिट्टी के जीव खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ मिट्टी बंजर हो रही है, मैं कहूँगा अच्छा वर्ड होगा, खत्म हो रही है मिट्टी अपने आप में। अभी उसने पूछा था यूपीएससी डेड वाटर या डेड ओशियन, डेड जोन, ये डेड सॉइल बन रही है कहीं ना कहीं, तो ये रिस्क इंडेक्स बहुत ज़्यादा है भारत में, ध्यान रखिएगा कुछ से जारी किया इंडेक्स, कौन संस्था इस पर इनिशिएटिव कर रही है, और यहाँ फाओ चाहती है कि भारत में मिट्टी को रिवैम्प किया जाए, बचाया जाए मिट्टी को। और यहाँ पर क्वेश्चन तैयार होता है मेंस में कभी जाकर कि मृदा की जैविकता लगातार कम हो रही है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ कम करें या ZBNF पे जाएं या प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की पर जाएं, वो बढ़ावा दे सकती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है इसका, और बढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बनने वाला है कुछ दिनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आपकी मिट्टी ऑलमोस्ट डेंजर में आ चुकी है। याद रखिएगा हम ये मान के चलते हैं कि जमीन में जो पेस्टिसाइड हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये सब खराब हैं, ये खराब नहीं होते, सभी खराब नहीं होते हैं, आपकी फसल के लिए खराब हो सकते हैं ये, क्योंकि आप जो क्रॉप पैदा करना चाहते हैं उसको नष्ट करते होंगे, हो सकता है ये, लेकिन ये मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं। और हमेशा एक बात, मैं लास्ट वीक बोल रहा था ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा था, मैं तभी एक बात कही थी ऑर्गेनिक फार्मिंग उस दिन आपको, बिल्ड द सॉइल नॉट द क्रॉप, आप फसल मत बचाइए, मिट्टी को बचाइए, मिट्टी बच गई तो कोई फसल लगा पाएंगे, और मिट्टी खत्म हो गई एक बार आपकी तो कोई फसल नहीं लगा पाएंगे उस पर आप। तो जरूरी है फसल के अकॉर्डिंग मिट्टी ना बनाई जाए, मिट्टी के अकॉर्डिंग फसल उगाई जाए। तो जरूरी है फीड कीजिए सॉइल को, ना कि फीड कीजिए क्रॉप को। तो मिट्टी में कैसे बचेंगे वो जीव जंतु, कैसे बचेंगे वो सूक्ष्म जीवी, उसे प्रयास होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ जो पॉइंट दिए हैं इस लिस्ट में, इनका कहना है कि यहाँ पर लगभग दुनिया की 90% जो कहना चाहिए प्रजातियाँ हैं या सूक्ष्म प्रजातियाँ हैं मिट्टी के अंदर रहती हैं। मैं लिखवा रहा हूँ कुछ बात लिखेंगे रहा, ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या कहता है ये ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस, इसमें क्या कहा गया है इस एटलस के अंदर भारत के बारे में लिखेंगे। ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस के मुताबिक भारत को अत्यधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है भारत को अत्यधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है। मृदा की जैविकता नष्ट होने के कारण क्या है वो लिखेंगे, रीजन क्या है इसके, सॉइल डाइवर्सिटी नष्ट होने के रीजन लिख लीजिएगा। पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, मेन से बन सकता है, बनना ही चाहिए इस पर क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं। LPI पर जब भी रिपोर्ट आती है क्वेश्चन जरूर बनता है, उस साल 2016 में बना, 14 में बना, 12 में बना, हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखिएगा क्यों होती है मृदा में प्रदूषण, क्यों होता है मृदा में समस्याएं, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या समस्याएं हैं मृदा में खराबी होने की। फर्स्ट पॉइंट पहला, मृदा के ऊपरी सतह पर जैव विविधता नष्ट होना, मृदा के ऊपरी सतह पर जैव विविधता नष्ट होना, अगर ऊपर जीव नहीं बचेंगे तो नीचे वाले जीव भी खत्म होते जाएंगे, ऊपर 90% खत्म होगा, सीमेंट खत्म होगा तो नीचे भी खत्म होते जाएंगे, क्योंकि एक चक्र है, एक साइकिल है, एक प्रकार से फूड चेन काम करती है, ऊपर वाली डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो नीचे वाले क्या खाएंगे, तो माइक्रोब्स क्या यूज करेंगे, तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी उनको, तो कहीं ना कहीं ऊपर जो जमीन के ऊपर जो लोग रहते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है, इसका नीचे वाला बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जाएगी। सेकेंड पॉइंट पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तीसरा, पोषण का अति स्तर, न्यूट्रिशन ओवरलोडेड, पोषण का अति स्तर, NPK बढ़ाते जा रहे हैं, मृदा की जरूरत नहीं है फिर बढ़ाए जा रहे हैं उसके अंदर, इनबैलेंस यूज ऑफ NPK, मृदा का अति पोषण, अति चराई, ओवरग्रेजिंग, अति चराई, सघन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अग्नि मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण जलवायु परिवर्तन। ओ भाई इवेंट तो लिख के देगा UPSC किन किन से मृदा का नुकसान होता है, आइडेंटिफाई कीजिए पॉइंट्स और पहचान लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कहा गया है रिपोर्ट के अंदर जो यूज किया गया है। तो भारत उन देशों में आता है जो सबसे ज्यादा जोखिम में है मृदा के समाप्त होने के। इसके अलावा हमारे काम का इसमें समझ सकते हैं, जो डेटा यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा काम करनी है, फिर भी देख लीजिए एक बार, नजर मार लीजिए इस पर, मृदा के अंदर या मृदा में जो प्रजातियां होती हैं, कितनी ज़्यादा प्रजातियां मृदा में रहती हैं, कितनी ज़्यादा प्रजातियां मृदा में हैं यहाँ पर, अब सोचिएगा। बड़े आकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे आकार के जीवों की बात करूँ दिखाई नहीं देते हैं हमको, जिनका आकार बहुत छोटा है, जो लगभग सूक्ष्म जीवी हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या नेमेटोड्स की बात करें, इनकी लाखों प्रजातियां, इस टाइप ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज है, सोचिएगा फंगी की लगभग 97,000 फंगी इस प्रकार रहती है कहाँ पर, मिट्टी के अंदर, लगभग आपकी 15,000 बैक्टीरिया की प्रजातियां रहती हैं मिट्टी के अंदर, इनको पहचाना गया है अब तक।
लगभग 21,000 प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट हैं जो रहती हैं कहाँ पर, प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, संख्या आबादी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, नॉट आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्पीसीज की, इतनी यहाँ रहती हैं। थोड़ा बड़े आकार में आएँ तो माइट्स बात करें, कीटों की बात करें, और ऊपर आएँ चींटियाँ, टर्माइट्स, दीमक, इनकी लगभग 2700 प्रजाति है, 14,000 प्रजाति चींटियों की रहती हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी में रहती हैं, ये नष्ट हो रही हैं, चींटियाँ हों, दीमक हों, या ये जरूरत है आपकी मिट्टी के लिए, आपकी सॉइल के साइकिल बनाए रखने के लिए, ये नष्ट हो रही हैं बहुत तेज़ी से, इनकी आबादी बहुत तेज़ी से समाप्त हो रही है और नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है दुनिया को इससे। वो भाई ये बात हमारी यहाँ पर बड़े स्केल पर नष्ट हो रही है, ये अर्थवॉर्म 23% प्रजातियाँ नष्ट होने का कारण इसमें से रहती हैं, प्रजातियाँ लगभग 7,000 अर्थवॉर्म की 23% प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं, यानी हो क्या रहा है, बड़े स्केल पर प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं मिट्टी की, और ये बड़ा डेंजर है, खत्म हो गई प्रजातियाँ तो रिवैम्प नहीं कर पाएंगे इनको आप। तो LPI संकेत कर रही है, ना केवल बायोडाइवर्सिटी नुकसान की बात कर रही है, मिट्टी की भी इस बार ये तो नया चैप्टर जोड़ा इन्होंने मिट्टी को लेकर, पूरा इंडेक्स आया था कुछ दिनों पहले, जोड़ दिया इस रिपोर्ट के साथ। हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर, तो LPI इंडेक्स पर समझिए काम की चीज़ है, UPSC हमेशा फोकस करता है इसमें, तो क्यों जरूरी है मृदा को बचाना समझ में आना चाहिए मुझे यहाँ पर। चलिए तो दो साल में रिपोर्ट आती है LPI, मैंने बात की इसमें, कुछ और बचा है यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्लास्टिक क्वेश्चन की बात, कोई समस्या नहीं है। हाँ ये कह रहे हैं यहाँ पर जनाब, बहुत कम समय आपके पास बचा है, आपके पास 20 महीने बचे हैं हार्डली, आपको बचाना है तो प्रयास शुरू कर दीजिए, वरना प्रयास करने लायक बचेंगे नहीं आप। तो उनका कहना है डू और डाई वाली स्थिति है, 2020 के बाद आपने प्रयास करना का शुरू किया तो आप एक नॉन रिवर्सिबल स्थिति में आ जाएंगे, जहां से वापस नहीं आ पाएंगे, अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, और 2050 तक दुनिया की लगभग सभी प्रजातियां 90% प्रजातियां नष्ट हो चुकी होंगी। तो अभी तो 60% हुई है, 90% प्रजाति नष्ट हो चुकी होंगी 2020 तक, 2050 तक यदि प्रयास नहीं किए गए, और प्रयास करें ही नहीं, प्रयास को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, कमिटमेंट्स को बड़ा करना और उसको पूरा करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं ये, एक चैप्टर जुड़ा इन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ रहा है समुद्रों के अंदर, वो सामान्य बात है, दुनिया में प्लास्टिक पॉल्यूशन में हंगामा हो रहा है, पूरी दुनिया में इस बार प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ा है समुद्रों में, सरकारें प्रयास कर रही हैं उसको रिकवर करने के लिए, उसको निकालने के लिए, याद होगा खबर आई थी कुछ दिनों पहले, प्लास्टिक को निकाला जा रहा है समुद्रों से, अब क्लीन अप प्रोजेक्ट, ओशन क्लीन अप परियोजना लॉन्च की गई है अभी हाल में, प्रयास हो रहा है प्लास्टिक को निकाला जाए, डेटा उस पर दिया है उन्होंने कुछ, ये वर्ड थोड़ा काम का ट्रेडिशनल वर्ड सुना होगा आपने इसके बारे में, क्या होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, एक साल में वो तो ओवरशूट डे होता है, एक साल नहीं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है कि मानव सभ्यता जो है, मानव लोग हैं यहाँ पर, उन्हें सर्वाइव करने के लिए कितना बड़ा रिसोर्स आवश्यकता होगी, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मुझे ज़मीन पर खड़े होने के लिए कितना स्पेस चाहिए, तो ये मेरा फुटप्रिंट है, ऐसी पूरी मानव सभ्यता जो हमारी है, जो पूरी मानव इकोनॉमी जो हमारी है, ये सर्वाइव करने के लिए, चलने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसका फुटप्रिंट कितना बड़ा है, वो होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उसके बाद पशु हैं, उसको चराने की कितनी ज़मीन चाहिए, उसको खाना खाना है तो गमी कितनी ज़मीन चाहिए, उसे इंडस्ट्री लगानी है तो कितनी ज़मीन चाहिए, उसे अगर अपने घर बनाने हैं, शहर बनाने हैं तो कितनी ज़मीन चाहिए, तो आपको कितनी ज़मीन की डिमांड पड़ने वाली है, आपका फुटप्रिंट कितना बड़ा है, तो ये लगातार बढ़ रहा है, फुटप्रिंट लगातार बड़ा होता जा रहा है मनुष्य का, और कहीं ना कहीं पृथ्वी छोटी पड़ने लगी है उसके लिए। अब तो लिख लीजिए कुछ बातें रहा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड ऑफ अर्थ बाय फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव क्रियाओं के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा, मानव क्रियाओं के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा होती है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट।